हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी करने वाले इंडियन एयरफोर्स राका का मॉक टेस्ट नंबर 11। और इससे पहले हमने पूरे अपनी जिंदगी के 10 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। और कुछ नहीं, प्लेलिस्ट बन गया, जाके देखो उसको, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सारे इंपॉर्टेंट PDFs टेलीग्राम पे अपलोड करते जाते हैं हम लोग। जो भी यूट्यूब पे वोकैबुलरी की हो रही है, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट वगैरह 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 चीज़ें हो रही है, उन सबकी PDF को ना टेलीग्राम पे हम लोग अपलोड करते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है कुछ इस तरीके से, @A2ZStudy, ठीक है, आपको मिल जाएगा। 12-13 हज़ार बच्चे हैं, उनको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे बने रहो, ठीक है। बाकी अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, नीली वर्दी पहनने के लिए, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो एयरफोर्स ग्रुप वाई की, तो 01-2024 बैच की मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो भाई, क्योंकि वाई ग्रुप की बेस्ट मॉक टेस्ट ना ऑनलाइन मॉक टेस्ट आ गई है A2ZStudy ऐप के ऊपर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो A2ZStudy ऐप को और जाके इस मॉक टेस्ट को लगाना शुरू करो। और अगर लगाने में कुछ समझ में ना आए कि किस तरीके से क्या यूज़ करना है एप्लीकेशन को, तो व्हाट्सअप करो 7279047787 पे और पूछो। इस नंबर पे कॉल करोगे, नहीं लगेगा, ऑल नंबर, ऑल अननोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट करके रखा जाता है, अदरवाइज दिन में 150 से 200 हमारे लोग परेशान रहेंगे कॉल पिकअप करते करते, ठीक है। बाकी अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया से करना चाहते हो वाई ग्रुप स्पेशली, तो वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन A2ZStudy आप पे करा रही है। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा, मतलब इंग्लिश और रगा के वीडियो, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, अलग से नहीं बाई करना पड़ेगा। पेड PDFs वगैरह मिल जाएंगे, अलग से कुछ भी बाई नहीं करना पड़ेगा। सफिशियंट चीज़ें यहाँ पे, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको। तो अभी देर मत करो, हम दिलासा नहीं सिलेक्शन दिलाते हैं। इस बार भी फेज 2 में बहुत सारे बच्चे हमारे गए हैं, कुछ पास होके आ रहे हैं, कुछ सीटअप्स में, कुछ फिजिकल में आउट होके आ रहे हैं। अब ये तो भाई आपकी मेहनत के ऊपर रहेगी, ठीक है। बाकी अगर आप सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहते हो, वो भी आपका स्वागत है। डाउनलोड करो A2ZStudy ऐप, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी की क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जन आ जाओ इधर देखते, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपने जिंदगी में कभी सुना होगा कर्क रेखा, तो मित्र पर गमछा झार नामक एक ट्रिक सुना होगा। कुल मिला के 8 स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन सेकंड क्या है, भारत का प्रथम वायसराय, वायसराय पूछ रहा है, वायसराय, ठीक है, आपसे वो नहीं पूछ रहा है जो पूछना चाहिए था। क्या नहीं पूछ रहा और क्या पूछना चाहिए था, क्या कहते हैं उसको, मतलब कुछ कहते हैं उसको, हम उसको भूल रहे हैं, ब्रिटिशों की भाषा थी। हाँ, गवर्नर और गवर्नर जनरल, ये नहीं पूछ रहा आपसे, वायसराय पूछे तो आप आंख बंद करके कैनिन को मार देना, लॉर्ड कैनिन, ठीक है, कैनिनवा था प्रथम वायसराय। आगे देखो, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त दोनों अलग अलग इंसान है। चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य डायनेस्टी से थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, ये जो थे वो गुप्त डायनेस्टी से थे, तो दोनों अलग अलग चीज है भाई, थोड़ा ध्यान से। भारत में किसे पहाड़ों की रानी, भारत में नहीं, झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। देखो झारखंड में एक है नेत्रहाट, नेत्रहाट को कहा जाता है पहाड़ों की रानी, ठीक है। आगे चलते, कथकली नृत्य जो है वो किस स्टेट से संबंधित है जनाब, तो कथकली जो है वो केरला से, ठीक है, चलो। और कथक पूछता तब उत्तर प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन, बैडमिंटन में कौन से खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। देखो सिंगापुर ओपन जो पिछला साल हुआ था, उसमें PV सिंधु थी, ठीक है, आपको याद रखना, विमेन सिंगल्स का उन्होंने जीता है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम क्या बदलने का फैसला लिया था, संभाजी नगर। हो सकता है पूछ दे एग्जाम में, वैसे शहर इतना बदला जा रहा है कि किसका किसका पूछे, एग्जाम वाले भी छोड़ देंगे ये सवाल। 8 नंबर क्वेश्चन, देखो सप्लीमेंट्री वर्ड जो है ना, इसका यूज करके हम कौन सा वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते हैं, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं इन सभी ऑप्शन में, एंट्री, फिर ये क्या है भैया, परलेसी, फिर इमेंस्ट्रू और एलिमेंट, ठीक है, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। देखो हमारे पास एक चीज है, 2 E है यहाँ, एक ई नहीं है, 2 E है इसके अंदर, तो एक ई है इसके अंदर भी, 2 E है और इसके अंदर 2 E है, बट इसके अंदर 2 और 1 3 E है, तो ई को 3 बार कहाँ से लाया गया भाई, हमारे अधिकार में तो 3 बार नहीं था ई, सिर्फ 2 बार ई का यूज करना था, तो हमें 3E कहाँ से ला दिए। तो करेक्ट आंसर डी है, जो कि
नहीं बन सकता। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखो डी एफ, ठीक है इसको लिखते हैं यू डब्ल्यू, तो जी आई को ठीक है आगे क्या लिखेंगे, ठीक है करते रहो और आंसर करते रहो। देखो डी एफ को किस तरीके से लिखा हमने, हमने अपनी जिंदगी में एक चीज देखा है कि डी के बाद हमको ई पढ़ाया गया था और ई के बाद एफ पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे ई को गायब किया गया। फिर हमने अपनी जिंदगी में एक चीज और पढ़ाई, यू के बाद भी पढ़ाया, उसके बाद डब्ल्यू पढ़ाया जिसमें कि भी का खात्मा कर दिया गया है, तो फिर जी के बाद एच पढ़ा और फिर आई है, तो एच की कहानी खत्म। तो ऐसा एक पेयर चुनो जिसके बीच में सिर्फ एक लेटर का मतलब गैपिंग हो या फिर डिफेंस हो, जो भी हो, तो आर एस टी ई यू बी, तो खैर ये टी के बाद आर आ गया तो होना ही नहीं चाहिए था, और टी के बाद यू कंटिन्यू है, बी के बाद तो टी आता नहीं है। करेक्ट आंसर क्या बन गया, आर एस टी में एस को गायब करके आर टी का इस्तेमाल है, करेक्ट आंसर ए है। जैसे आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल देखो, किक को ना अभी देखो ये पूरा मॉक टेस्ट अभी तक का इजीएस्ट मॉक टेस्ट है, ठीक है बोलते बोलते ना थोड़ा सा काम गड़बड़ हो जाता है, मॉक को मतलब मॉक टेस्ट को टेस्ट के और कुछ भी बोल देते हैं हम लोग, आपने बहुत बार सुना होगा ना र को ड बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ऐसे चलते रहता है बोलने का वो असर है बहुत ज्यादा बोलने का। तो ये 15 क्वेश्चन तक लगेगा आपको कि बहुत ईजी है, उसके बाद जाएंगे तो आप बिजी हो जाओगे, ठीक है। तो शुरू के क्वेश्चन देखे ना ज्यादा खुश नहीं होते हैं, पूरा एंड तक करो और उसके बाद बताना कितना नंबर आपका आया इसके अंदर। किक को अगर हम के सी आई के लिखते हैं तो मान को नाम लिखते हैं तो गुड को क्या लिखेंगे, भाई कुछ नहीं लिखेंगे, बस पीछे से आगे की तरफ कर दिया गया, पलट दो इसको, मान को उल्टा करोगे नाम आएगा, गुड को करोगे तो डुग आ जाएगा, ठीक है तो डुग है ऑप्शन नंबर सी में। ओके 11 नंबर देखो, एफ को 6 लिखते हैं, फॉक्स को 45 लिखते हैं, तो लॉयन को क्या लिखेंगे। देखो पहली बात तो एफ 6 नंबर पे आता है, फिर फॉक्स का ओ 6 नंबर पे आता है, अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, एफ का ओ नहीं, एफ का एफ जो अल्फाबेट में 6 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है और एक्स 24 नंबर पे आता है, तो 6 5 11 3 1 4 मतलब 45, तो ये सही है। लोयन का वही हाल है भाई, जो ऊपर था एल 12 आई 9 ओ 15 एन 14, आप जोड़ के देख लो कुल मिला के जो आंसर होगा ये 5 4 9, ठीक है और 14 यहाँ पे, ठीक है 5 4 9 9 18 तो 20 के 0, फिर ये 2 3 4 5 50, करेक्ट आंसर बी है। ओके ना बस जोड़ दो उनके अल्फाबेट्स को। कह रहा मनीष भैया अपने खुद के घर से, ध्यान से देखना, अपने खुद के घर से, ससुराल से नहीं, अपने खुद के घर से चलते हैं, कहाँ चलते हैं, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर तक चलते हैं, फिर दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाएं और मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं, अंत में दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब यह बताए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो पहले बात तो अरुण भैया यहाँ से निकलेंगे तो नॉर्थ में जाएंगे, ए से चलते मान लेते, प्रारंभिक लिख लेते हैं, ए को थोड़ा ऊंचा ले जाओ, इनको थोड़ा लाइन तिरछा हो गया, मान लेते हैं ये 15 मीटर जाते हैं ए से या फिर किलोमीटर में, फिर यहाँ से राइट मुड़कर 10 किलोमीटर जाएंगे, राइट इधर होता है, फिर यहाँ से फिर बोल रहा है राइट मुड़ के 5 ले जाए इनको, फिर राइट मुड़ा के ना इसको 10 ले जाते हैं। जब भी हम साउथ में जा रहे होते हैं तो राइट तो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, ले जाके यहाँ पे 10 हो गया, मतलब ये दोनों पॉइंट एकदम पैरेलल में आएंगे और ये वैल्यू 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5, तो रिमेनिंग कितना हो गया इधर 10, तो ए से अगर बी तक पहुंचे तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने कवर किया ओवरऑल, ठीक है कवर तो बहुत ज़्यादा कर लिया, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो 10 किलोमीटर का विस्थापन। एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 13वें स्थान पर है, अतुल बाएं से 17वें स्थान पर है, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सुरेश दाएं से किसे हो जाता है। देखो इस सवाल को बड़ा इजी बना देंगे, पहले सुरेश था 13 नंबर पे, फिर अतुल था 17 नंबर पे, फिर इन्होंने कुछ किया, कुछ काम धंधा किया, छटपटी हुई इनके शरीर में, खुजली मचा तो आगे पीछे भागना शुरू किए, तो सुरेश 21 नंबर पे आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में पूछ रहा टोटल कितने बच्चे थे, ठीक है तो क्या करोगे, अतुल का और सुरेश का नया वाला वैल्यू दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे मिलेगा 39, और इस सुरेशवा को दो बार काउंट किया है आपने, इसको एक बार निकाल दो, कुल मिला के कितना बनेगा, कहोगे सर एक काम गड़बड़ कर दो 38 होगा, एक निकाल दोगे एक बार इसको तो 37, करेक्ट आंसर क्या अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है करेक्ट आंसर बी, मतलब जिस इंसान को दो बार हमने ऐड मतलब वैल्यू को काउंट किया था ना सुरेश को दो बार, तो एक बार निकाल दिया हमने
ठीक है। और एक बार हमने निकाल दिया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए। बस ये शॉर्टकट अपलाओ, डायग्राम वगैरह बना के टाइम नहीं खराब करना एग्जाम में। रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के, ध्यान से सुनना, मेरी पत्नी के, मेरी नहीं सुरेश के, सुरेश ऐसा बोल रहा है, वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है? तो ऐसे पेन में कौन कौन, मतलब ऐसे सवाल में कौन कौन पेन उठा के अपना नाम हंसवाना चाहता है? कहोगे हम सर। हाँ तो आप हंसे हुए इंसान हो, ध्यान से सुनो। रमेश कह रहा है ना कि महिला को बता रहा है कि वह मेरी पत्नी के पति, पत्नी के पति कौन होते हैं? अब थोड़ी मेरी पत्नी का किस कोई और पति हो जाएगा, मतलब मेरी नहीं, रमेश की पत्नी का कोई और पति तो हो नहीं जाएगा, मतलब रमेश की पत्नी का पति खुद वो रमेश होगा। ठीक है, वो अपनी बात कर रहा है। पत्नी के पति की माँ, मतलब रमेश की माँ की बेटी, रमेश की माँ की बेटी क्या लगेगी उसकी? उसकी बहन लगेगी। तो रमेश से क्या संबंध हो गया? तो सिस्टर हो गया। बहुत मजेदार सवाल था। 50 नंबर सवाल देखो। एक का अर्थ योग करना, योग करना मतलब जोड़ना, अभी नहीं कि योगा करने लगना बैठ के एग्जाम में। हाँ सवाल में कहा योग करो तो योगा करेंगे। सी का मतलब है मल्टीप्लाई करना, एफ का मतलब है माइनस करा दो, और बी का मतलब है डिवाइड कर दो। तो ये जो इक्वेशन है ना 3a8b2c4f9, इसमें रखते हैं वैल्यू को। a का मतलब ऐड है, b का मतलब क्या है डिवाइड है, 2, फिर c का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, 4, f का मतलब माइनस। ये 2 4 जा कट जाएगा और ये 4 4 जा 16, तो 3 + 16 माइनस 9, तो 16 + 3 19 माइनस 9 बराबर 10। ध्यान रहे जनाब, खुरपात मत कर देना, इधर से ना घटाते मत चल देना, पहले घटा के फिर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे फिर जोड़ेंगे, आंसर गलत आ जाएगा। बोर्ड मास का नियम है, पहले क्या करते हैं ब्रैकेट, ठीक है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये चीजों को ध्यान में रखना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से ना विषम शब्द को चयन करो। अब आते हैं तांडव करते हैं हम लोग, देखते हैं कौन कौन बाकी के सवालों को जी जान लगा के बनाता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में शब्दों में विषम चुनो, ऑड चुनो, 79, 54, 87, 96। अब बोलोगे सर इसमें से ऑड क्या चुने, कौन गए कि हमारा इसमें तो कोई जान पहचान वाला लग रहा है। मतलब देखो एक चीज है ना, 7 और 9 क्या है इसकी, आप वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 7 + 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कहोगे सर 16 आ जाएगा। 5 + 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 8 + 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा। 9 + 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। देखो ये तीन के टेबल से कट रहा है, तीन के टेबल से कट जा रहा है, बट ये 16 तीन के टेबल से नहीं कट रहा। कुल मिला के समझ में आ गया कि ये वाला तीन टेबल से नहीं कटेगा, बाकी ये तीनों तीन के टेबल से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं पूरे होशोहवास में कह सकते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ पे ऑड है। रीजन, ये बी सी एंड डी थ्री के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, बट 79 इतना नालायक है कि वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहे हैं, अगर हम सर यहाँ पे 45 को 89 बना सकते हैं तो 67 को क्या बना दें? तो हम कहेंगे कि आप अपनी जिंदगी में एक काम करना, 47:81 लिखना, और ये प्रोपोर्शनल का साइन है 67, और ऐसे आप कॉपी पे उतारना, और उसके बाद कुछ सोचना। सोचना ये कि 5 और 4 क्या है, 5 + 4 कहेंगे सर 9 है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। अरे तो आ गया हमको, तो 6 + 7 करोगे ऐड तो क्या मिलेगा, 13, और 13 का स्क्वायर करोगे 169। तो ओके, ज्यादा मत सिखाओ, हमसे बन गया था, ऑप्शन नंबर डी देखो इधर है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ज्यादा मत सिखाओ, क्योंकि मैंने देखा ना पिछली बैच में एक सुधीर नाम का लड़का था, मैंने यूट्यूब पर डिस्कस भी किया था। उस बच्चे ने क्या किया ना, देखो रिजल्ट हो गया उसकी पेड बैच से पढ़ के, कभी फुर्सत में इस पे स्क्रीनशॉट डालूंगा टेलीग्राम पे, और अभी फेज 2 क्लियर करके आया एक दो दिन पहले। उसके बाद हमारे पेड ग्रुप में मैसेज क्या कर रहा है वो, कि भाग जाओ इस बैच को मत लो, हमसे आ जाओ, हमारी नोट्स को ले लो, ये बैच खराब है ऐसे वैसे, फिर हमारे नोट्स ले लो, हम जैसे 100 रुपये में बेच देंगे, ऐसे वैसे कर रहा था। लास्ट टाइम मेरे को उसको म्यूट करना पड़ा, और फाइनली बात का उसको खुलेआम बोलना पड़ा मेरे को, भाई होश में रह लो, अदरवाइज हमने आपको पढ़ाया है, आप पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जिस दिन रिजल्ट आया था आपने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ पढ़ के यहाँ से हुआ है मेरा रिजल्ट, पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट है मेरे पास, और ऊपर से आके आप बदनाम कर रहे हो अपनी सेल करने के लिए, तो मानहानि का मुकदमा करेंगे, भूल जाएंगे आप स्टूडेंट हो। लास्ट में समझ में आ गई, फिर कह रहे सॉरी सर हम बहकावे में आ गए थे।
किसी भी टाइप के बहकावे में ना आए और इन सब चीजों से बच के रहें। आपको मान लो हम नहीं कह रहे कि आओ हमारा नाम वो यूट्यूब पे आके, हम नहीं मांगते आपसे क्रेडिट व्रेडिट कुछ भी, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि पढ़ो भी और जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो तो फिर प्रॉब्लम है, भूल जाएंगे कि आप स्टूडेंट हो। ठीक है, हम आपसे क्रेडिट बिल्कुल नहीं मांगेंगे कि रिजल्ट के बाद आप मेरे पास आना मत आना चले जाना, ठीक है, लेकिन आप बुराई करोगे तो फिर हम एक्शन लेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि आपको फायदा भी हो रहा है, ऊपर से हम अपना कुछ सेल करने के चक्कर में नौटंकी शुरू कर दें। आगे आ जाओ, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 सेकेंड में एक पोल से गुजरती है, तो रेलगाड़ी की प्रति घंटा प्रति किलोमीटर गति क्या होगी? ठीक है, देखो भाई, रेलगाड़ी की जो पहली बात तो ये सुनो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है ना, तो ये डिस्टेंस को क्या मानते हैं? एक ट्रेन जितनी लंबी है जब वो पोल को क्रॉस कर रही है तो पोल को क्रॉस करने में उतना ही डिस्टेंस तय करेगी जितनी की ट्रेन की लंबाई है। बोलोगे कैसे सर? मान लेते हैं ये एक पोल है, ठीक है, और इधर से ट्रेन आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेन है मान लेते हैं, इसको जब गुजारेगा इधर से तो ट्रेन की लंबाई जितनी है शुरू से अंत तक उतना ही देर में लगेगा पोल क्रॉस करने में, तो इसीलिए ट्रेन की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 150 मीटर। स्पीड का हमको पता नहीं है तो एस रहन दो, और आपसे टाइम कह रहा है 12 सेकेंड। स्पीड बराबर हो जाएगा 150/12, कह रहा है किलोमीटर पर आवर में चेंज करो तो 18/5, ठीक है, तो इसको 5 के टेबल से डिवाइड कर दो, 3 बार में 6 × 12 6×5=30, ये 2 × 9=18, कुल मिला के 45 किलोमीटर/आवर की स्पीड से इनका हो जाएगा, ठीक है। चलो 19 नंबर देखो, 899 से भाग देने पर अगर 63 प्राप्त होता है किसी एक नंबर, एक नंबर है मान लेते ना, एक मान लो एक नंबर एक्स है, अगर इसको 899 से मारेंगे डिवाइड ना तो रिमाइंडर 63 मिल रहा है, तो उस संख्या को 29 से शेष मतलब डिवाइड मारेंगे तो क्या शेष मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा? भाई सुनो, लाइफ में कभी भी ऐसा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पढ़ा आपने, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, एक्स में क्या करोगे, 899 को ना 63 को ऐड कर दो, जो वैल्यू मिलेगा 962, 962 को अब हम लोग 29 से डिवाइड मार के देख लेते हैं क्या मिलता है, ठीक है, ये 9 × 2 = 18, 2 × 4 और एक 2 × 4 और एक 5, तो 3 से कटता है, 9 × 3 = 3, 3 × 7 = 87 से कटा लो इसको, ठीक है, और यहाँ पर फिर कितना रिमाइंडर बच जाएगा ये भी देखना होगा, 9 बचेगा, फिर ऊपर से 2 उतर लो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे 92, फिर से 3 बार में ले जाओ 87 और 7×5=12, 5 बच रहा है यहाँ पर रिमाइंडर, देखो हाँ ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ओके सर, आप तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 20 नंबर सवाल कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़की हो और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के थे? देखो लड़के कितने भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले ये बताओ कि लड़कियाँ जो अगर 972 हैं तो ये कितने परसेंट है? कहोगे सर इसमें दिमाग क्या आएगा ना, अगर 60% बॉयज हैं गर्ल्स कितनी होगी, 40% टोटल मान लो एक्स है, तो एक्स का अगर 40% लड़कियां हैं जिसकी वैल्यू 972 है, इसको 0 से डिवाइड मार दो, ये 4 × 8, 4×6=16 और क्या, 4×3=12, मतलब एक्स बराबर 2 × 4=3=0, अब ये 0 भी जाकर मल्टीप्लाई हो, टोटल यहाँ पे 2430 है, तो कह रहे हैं विद्यालय में कुल कितने लड़के थे, तो 2430 के 60% को निकाल दो, 0 0 कट जाना है यहाँ से, 3 × 18, 6×6=24 और 1×25 1458, ठीक है, 1458 जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है सही है, सिंपल सा लॉजिक था ये। इस नंबर कह रहा है ध्यान से देखना, कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा मतलब डिस्काउंट देता है, उसकी लाभ प्रतिशत कितनी है? देखो मान लेते हैं ना वो खरीदा कितना में था, जब कोई वैल्यू एग्जैक्टली नहीं दे रखा ना कि 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये, उस सिचुएशन में हम 100 मान लेते हैं, उसने खरीदा 100 रुपये में, उसको मार्क प्राइस कितना कर दिया, अंकित कर दिया 20% ज़्यादा, तो 20% ज़्यादा कितना होगा, 120। अब 120 पे ना 8% का डिस्काउंट देंगे तो 92% पे बेचेंगे हम लोग, और 92% कितना होगा इसका, तो एक 10 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे 92 × 12/10, ठीक है, 92 × 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मेरे हिसाब से ये आ जाना चाहिए 1104, ठीक है,
1104 आ जाना चाहिए, बढ़ता में 10 है, तो अगर आप इसको डिवाइड मारोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 110.4। तो मतलब इसने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी थी इसकी, तो इस पर हम लोग डिस्काउंट दिए तब जाके 110.4 में हमने बेचा इसको, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10.4 रुपीज की। 100 का परसेंट भी होगा तो ये 104 मतलब 10.4% भी हो जाएगा और एग्जैक्ट रुपीज भी होगा, क्योंकि 100 की अगर वैल्यू क्यों मानते हैं हम लोग, क्योंकि उस एग्जैक्ट वैल्यू को परसेंट में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली परसेंट में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। चलो 22 नंबर सवाल, एक आयताकार प्लॉट की भुजाएं जो है 5:4 के रेशियो में है और उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, प्लॉट की परिमाप कितनी है। भाई पहली बात देखो, एरिया क्या होता है, एरिया बराबर एल इन टू बी होता है। तो मान लो इसका एल है 5x और विड्थ है इसका कितना 4x, तो 5x इंटू 4x की वैल्यू दे रखी है 500, हो गया 20x² बराबर 500, तो 0 0 कट गया और यहाँ से 25 बार में कट गया x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 मतलब 5, रूट से 25 निकालोगे तो 5 निकलेगा ना। वो अब कह रहा है इसका परिमाप बताओ, परिमाप क्या होता है, हो गया हमको का पता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 इंटू 5x प्लस में 4x करोगे तो मिलेगा 2 इंटू 9x मतलब 18x, तो 18 इंटू 5 करो x की वैल्यू पुट कर दो, 18 5 90, ऑप्शन नंबर सी बन गया सवाल, ठीक है। 23 देखो, कह रहा 1:2:3:4 के रेशियो में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, पहली व चौथी संख्या का योग किसके बराबर होगा। देखो चार संख्याएं, मान लो पहला x है, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, जिसकी वैल्यू जोड़ने पे 16 मिल रही है, 4 3 7 दोनों और एक 10, 10x की वैल्यू अगर 16 आ गई, x बराबर क्या हो जाएगा 16/10, यही ना। तो कह रहे हैं पहली वो चौथी की बताओ, पहली x है और दूसरी को चौथी कौन है 4x है, तो x प्लस 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x, तो 5 × 16/10 x की वैल्यू रख लो, 5 2 जा इतना और 2 8 जा इतना, तो मतलब इसकी वैल्यू 8 आ गई। फर्स्ट एंड फोर्थ को अगर हम ऐड करेंगे उसकी वैल्यू कुछ इतना मिलेगा, ठीक है 8, ठीक है आगे चलो 24। यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तीन क्रमागत विषम संख्याएं लेना होता तो क्या लेते हैं, x प्लस में x प्लस 2, ओके रुको रुको रुको, x प्लस 2 क्या लिए भाई, ये तो ऑड नंबर बोला है। देखो ऑड बोले चाहे इवन बोले, x प्लस 2 और x प्लस 4 ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तीन लगातार हो गया, इनको जोड़ने पे वैल्यू 147 आ गया, ये हो जाएगा 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू 147, तो 3x बराबर हो जाएगा 141, x बराबर हो जाएगा 3 6 12 3 7 21 47। तो कह रहा बीच वाली संख्या बता, बीच वाला ये है x प्लस 2, x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 47 प्लस 2 49, ऑप्शन नंबर सी जिंदाबाद, ठीक है करेक्ट आंसर सी है। देखो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, ये जो सुमन है ये 3 दिन में काम खत्म कर रही है, ओके ये दूसरा कौन है, सुमित जो है इस काम को 2 दिन में काम खत्म कर देता है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर काम पूरा करने के लिए 150 रुपये मिलते हैं, तो सुमन का भाग क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सुमन और सुमित का रेशियो लिखोगे 3:2, ये डेज का रेशियो है, लेकिन डेज के अनुसार पैसा देने लगे तो काम तो नहीं हो पाएगा, हम लोग पैसा देते हैं एफिशिएंसी के अनुसार, तो इसको उल्टा कर दो 2:3 हो जाएगा, तो फिर पूछ किसका रहा है, सुमन का, सुमन की वैल्यू 2 है तो 2/5 नीचे दोनों रेशियो जोड़ के टोटल जो वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दो, ये सुमन की जो वैल्यू है निकल जाएगी, तो सुमन भैया या फिर दीदी जो भी हैं उनको 60 रुपया मिला, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलो 26 नंबर कह रहा है, देखो cos 90° माइनस a की वैल्यू बताओ। देखो ये a लाख है ना, बस माथा का दिमाग का दही कर रखा है इसके अंदर और कुछ नहीं, हमने एक फॉर्मूला अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, cos 90° माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो गया अच्छा तो सर मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ जब फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो अगर थीटा की जगह पे हमने a रख दिया है तो इसमें थीटा की जगह a रख दो, मतलब sin a लिख दो, हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बस ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला था, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था, अगर फॉर्मूला याद था तो आंसर पटाख से, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ के निकल जाना।
यही कर सकते हैं ना आप। अब हो गया ये नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर क्या करना है देखो, इन सवालों का आंसर देना है, वो भी आंसर किस तरीके से देना है तो देखना है ना। ये सीरीज है, पहला वाला फोटो को इस तरीके से किया गया, फिर थर्ड बनाया गया, उसको देखते हुए फोर्थ बनाया, उसके देखते हुए फिफ्थ बनाया, तो फिफ्थ के बाद का कौन सा फोटो आएगा ए बी सी डी में से चुन लो। देखो इस सवाल को, वीडियो को रोक के आप देखो, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आऊंगा, बट वीडियो को रोक के आप थोड़ा सा दिमाग लगा। इस सवाल का आंसर देना ना जस्ट 2 सेकंड का काम था, अगर आपने दिमाग लगाया हुआ तो। 2 सेकंड का क्यों, इसकी एंड वाली जो फोटो है ना, इसकी जो तस्वीर है हमारी किसी अपनों से मिलती हुई तस्वीर से उसकी जैसी है। मतलब बोलते ना कि तुम तो हमारे उसके एक्स की तरह लग रहे हो, लग रही हो, वही है। देखो इसकी तस्वीर इससे मिलती है तो समझ में आना चाहिए। इसके बाद जब ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये, और फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसके बाद क्या बनेगा जो कि इसके बाद बना था। समझ में आ रहा है, अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, पहले एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, और अगेन एक नंबर रिपीट हो गया, तो आगे से दो नंबर वाला यूज़ करो। दो नंबर पे ये फोटो बना था, तो ये फोटो किस ऑप्शन के अंदर छुपा है? ऊपर स्क्वायर, दो नीचे सर्कल, तो ऊपर स्क्वायर दो नीचे सर्कल ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, जो कि ये इसका सही आंसर। मैंने बोला ना कि जस्ट सेकंड में इसका आंसर आने वाला है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा माइंड का सही से इस्तेमाल कर लेते। तो चलो 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल को अगर हम बढ़िया से देखेंगे तो हमको एक चीज समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोको, बनाओ, फिर मेरी चीजों को देखो। ये देखो, ये राइट साइड में देख रहा है, ये भी राइट साइड में, फिर लगातार दो चीजें लेफ्ट में देख रहे हैं, इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। ठीक है, तो पहले दो बार दोनों राइट में है, ठीक है, फिर दो बार लेफ्ट में है, तो फिर ये एक राइट में है, तो एक और राइट में, दो बार राइट में जाएगा। मतलब ये जो लॉलीपॉप है राइट डायरेक्शन की तरफ होगा। तो डी एंड सी का तो पत्ता हमने काट दिया पहले ही, कि डी एंड सी होना ही नहीं है। अब हमने एलिमिनेट कर रखा है दो लोगों को, 50-50 बच गया। कौन बनेगा करोड़पति में जब 50-50 हमारे पास होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं हम लोग। क्या कि देखो भाई, एक चीज़ है यहाँ पे, जब इस दोनों, ये ऊपर के दो फोटो जो थे ना, हमको यहाँ के दो फोटो से क्या मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बट एक चीज़ है देखो, मैं यहाँ पे कहाँ चला गया, यहाँ पे चलना था सेकंड पे। इसके ऊपर के दो फोटो जो हैं इससे मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके नीचे के दो फोटो एग्जैक्टली इससे मैच कर रहे हैं। फिर देखो इसके इसके जो ऊपर के दो फोटो हैं, इसके ऊपर के दो फोटो से मैच कर रहे हैं, लेकिन नीचे के फोटो से मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो, एक बार ऊपर वाला दोनों फोटो बदला गया है तो नीचे वाला सेम है, ठीक है, फिर ऊपर वाला अगर सेम है तो नीचे वाला बदला, फिर ऊपर वाला अगर सेम है, ऊपर वाला इस बार बदला गया तो नीचे वाला सेम है, ठीक है। तो अब ये चीजें देखना ना कि इन दोनों के बाद क्या क्या बदला गया है। ऊपर की फोटो देखो बदली गई है इनकी, नीचे का फोटो सेम है, तो अगले वाले में ऊपर का फोटो कुछ इस तरीके से होगा और नीचे का फोटो चेंज किया हुआ होगा। तो बी में नीचे का फोटो देखो सेम टू सेम है, तो ये नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर ए होगा। ऊपर का फोटो सेम टू सेम चाहिए बट नीचे का चेंज हुआ, तो बचा ए। लेकिन यहाँ पे तो बी है, या फिर मैंने कुछ देखने में गड़बड़ कर दिया, ये भी सी हो सकता है। हाँ ठीक है, मैंने देखने में, मैंने लॉजिक बिल्कुल सही बताया, लेकिन देखने में गड़बड़ किया। देखो इस बार ना नीचे का चेंज कर रखा था इन्होंने, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ऊपर का सेम है, तो ऊपर वाला ही बदलना है, नीचे वाला सेम छोड़ना था, तो नीचे वाला सेम देखो बी के अंदर ही है। मैंने लॉजिक सही बताया बट देखने में मैंने थोड़ी सी गलती करके आंसर दे दिया आपको। देखो नीचे का ये जो फोटो सेम होना चाहिए, ऊपर का बदलना है इस बार, क्योंकि पिछली बार हमने नीचे बदला था, ऊपर सेम टू सेम छोड़ रखा था, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पे, फिर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मेरे को क्या बोलना और मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार चीज़ों को रिपीट कर दे रहा हूँ एक ही चीज़ को। देखो एक्चुअली मेरे को जो बोलना चाहिए था मैंने वो बोला ही नहीं। इन दो दो का पेयर्स बना था, ठीक है, देखो इन दो दो का पेयर बना है, ठीक है। इसके इसका जो ऊपर का दोनों है ना, ये इस बार बदल रखा है, ठीक है। अगर एक चीज़ ध्यान से देखेंगे हम लोग तो, इन दोनों का आप ऊपर का फोटो देखो और इसका फोटो देखो, ठीक है। अगर इनको हम ध्यान से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा हमको डिफरेंट नज़र आएगा, थोड़ा सा मेरे एक्सप्लेन करने में मेरे को प्रॉब्लम हो पा रहा है, बट जो चीज़ें मैं बताना चाहिए वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। बट एक चीज़ अगर हम और दूसरा तरीके से देखें ना, अगर हमने तो ये जो चीज़ देखा था एलिमिनेट किया था, सुनो मैं मेथड ही चेंज कर देता हूँ बताने का। मेरे पास मेथड अलग अलग होते हैं, बट जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता कि आपको समझ में आया होगा, तब तक मैं बताते रहता हूँ, ठीक है। देखो पहला तो ये हमने तरीका ठीक था कि ये जो इस बार
राइट में जाएगा, मतलब दो दो का पेयर बन रहा है। देखो ये दोनों राइट में है, ये दोनों लेफ्ट में, और ये दोनों फिर राइट में होने चाहिए। तो हमने सी एंड डी को एलिमिनेट कर दिया। अब बचा ए और बी, तो बी क्यों होगा? आंसर तो है कि बी होगा, लेकिन क्यों होगा? देखो इस साइड का जो फोटो है ना, इसके डॉट मतलब लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर पे बने हुए हैं, हमेशा देखो ऊपर के साइड में ही है, नीचे नहीं है कभी भी, नीचे कभी भी नहीं है। इसमें देखो नीचे जा भी रहा है कभी कभार, लेकिन इसके जो इस साइड के जो कॉर्नर के हैं लेफ्ट साइड के, वो कभी नीचे जा ही नहीं रहा। तो ए में देखो ये नीचे गया है, तो इसको तो नीचे ले ही नहीं जा सकते थे, तो बचा कौन सा? हमारे पास लास्ट ऑप्शन बी ही बचा ना। ठीक है चलो, तो ये लॉजिक अपना काम आएगा। कभी कभार होता है ना, मेरे को लगता है कि मैंने समझा दिया, बट ये फिर होता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब आपको समझ में नहीं आया तो फिर मेरे समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या करेंगे। पहली बात देखो, एक बार ऊपर ऊपर वाले का हम लोग पेयर बनाएंगे। देखो ये क्या है, ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, फिर ये नीचे है तो ये वाला ऊपर है, जब ये ऊपर होगा तो अगला में क्या होगा, नीचे होगा। मतलब ये वाला टोपी कुछ इस तरीके से बनेगा अगले फोटो में। तो नीचे की साइड में ये सी नहीं है, तो सी को हटा दो। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है ना लेफ्ट में देख रहा है, ये राइट में देख रहा है, ये अगर राइट में देख रहा है तो ये लेफ्ट में देख रहा है। भाई एक चीज़ और समझ में आना चाहिए कि क्या ये चीज़ें हमको मैच करना चाहिए राइट लेफ्ट या नहीं। तो देखो एक चीज़ अपने को तो समझ में आ गया यहाँ पे कि ऊपर का तो ठीक है, ये चीज़ पूरा पूरा मैच कर रहा है राइट लेफ्ट, लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना, तो हम लोग ऊपर का जब बात किए तो एक बार नीचे वाले का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला कर लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने सी को हटा लिया था, ये नीचे के साइड है, ये ऊपर के साइड है, ये नीचे फिर ये ऊपर फिर ये नीचे, तो इस बार ऊपर होना चाहिए। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया कि ए भी नहीं होगा अपना। देखो एलिमिनेट करते जाओ, बचा कौन सा? बी और डी, और बीच वाला जो है ना दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, बीच वाला दोनों के दोनों क्या है, एक जैसा ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, कि इसमें ना आंसर करने वाले मैक्सिमम लोग बी आंसर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है ना कि ये देखो क्या है, लेफ्ट में है, ये राइट में है, फिर ये लेफ्ट में राइट में है। ठीक है, अब देखो यहीं पे कन्फ्यूजन होगा। देखो ये क्या है, लेफ्ट में है, ये क्या है, राइट में है, फिर जब ये राइट में है तो ये लेफ्ट में है, तो फिर कहेंगे देखो जब ये राइट में ना तो इनको लेफ्ट में कर दो, और यहीं पर गलत आंसर कर देंगे। तो बी और डी में जो कन्फ्यूजन है मैं दूर करता हूँ किस तरीके से वर्क करें, और जो बी आंसर करेंगे वो गलत करेंगे, क्योंकि जो आप लॉजिक कह रहे हो वो सटीक नहीं है। ये लॉजिक की अगर हम इन दोनों पे अगर एक साथ फोकस करें ना, अगले फोटो में जो गया है एक नंबर के बाद दो नंबर फोटो में, तो पहले देखो इस फोटो को छोड़ के जो लेफ्ट में है उसको चेंज किया गया। देखो मतलब लेफ्ट साइड के जो फोटो है ना दोनों में, वो चेंज किया गया है। अगली फोटो में तीन नंबर में जो गया है ना, इस बार देखो राइट साइड की फोटो को चेंज किया गया है। फिर चार नंबर फोटो में देखो राइट साइड की नहीं, अभी देखो लेफ्ट साइड का जो फोटो है उसको चेंज किया गया है। फिर अगली बार में देखो इन दोनों में क्या फोटो में चेंज किया गया है, तो इस बार लेफ्ट साइड की फोटो को चेंज कर रखा है इन्होंने। ठीक है, लेफ्ट साइड की चेंज होगी, तो अगली फोटो में ना लेफ्ट साइड को नहीं चेंज करेंगे, ये ऊपर नीचे और ऐसे इसको रहने दो, और ये जो राइट साइड वाली है उसको चेंज करेंगे। तो ये सबसे बड़ा लॉजिक था इसका, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम लोगों ने पिछली बार गलती किया था ये सवाल आया था, तो क्योंकि ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना कि हम सिंपल इसको समझ जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये। 30 नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल में तो ठीक है ये चीज़ नहीं समझना कि सब एक ही साइड आके लगे हुए, ये समझना कि जब ये ऊपर में था क्या मल्टीप्लाई और बीच में क्या था सर्कल। तो पहले देखो मल्टीप्लाई और सर्कल ही सिर्फ एक दूसरे से स्थान बदले हैं, जो सर्कल चला गया मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई सर्कल पे, बाकी के दो फोटो एज इट इज हैं। और अगले वाले में देखो सर्कल और मल्टीप्लाई वहीं के वहीं है, लेकिन बाकी के दो जो फोटो थे ना बराबर और स्क्वायर, ये दोनों पोजीशन चेंज कर लिए हैं। फिर अगली फोटो में देखो क्या क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ, अगली फोटो में कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। ठीक है, थर्ड में देखो जो जहां पे था वहीं पे है। ठीक है, फिर फोर्थ में चेंज हुआ, क्या चेंज कर रखा इन्होंने, तो सर्कल को और मल्टीप्लाई को चेंज कर रखा, तो अगली में मल्टीप्लाई और सर्कल वहीं पर रहेगा, बराबर और स्क्वायर को चेंज करोगे, और बराबर और स्क्वायर को चेंज करोगे तो ऑप्शन नंबर सी है क्या, बी है क्या, कौन सा है, मैच नहीं कर रहा, सी है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो गए। ठीक है चलो, बाकी कमेंट करके बताओ कितना आपने इसके अंदर स्कोर किया। पेड मॉक टेस्ट, पेड बैचेस वगैरह सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो टीचर स्टडी ऐप को, व्हाट्सअप करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर करो।